फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम बैक टू मेक योर वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल। मैं हूँ सुनती, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स आज लेकर आई हूँ एक DIY पॉट होल्डर या फिर कोई प्लांटर या फिर हम किचन एसेंशियल्स कोई भी कटलरीज या स्पून्स ऐसी चीज़ों को हम रख सकते हैं। और ये बनाऊंगी मैं इन खाली पड़े टिन के डिब्बों से। यस फ्रेंड्स, कई बार हमारे घर पर ऐसे टिन के डब्बे होते हैं, ये जैसे कि एक कलर का डब्बा था, ये अभी दिखने में बहुत ख़राब लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और ये एक हॉट वैक्स का टिन का डब्बा है, ये बड़ा है ये छोटा है। इन दोनों को मैं अलग अलग एक वास शेप बनाऊंगी, वास भी कह सकते हैं हम, या फिर कोई फ्लावर पॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्पून्स रखिए, ऐसी सारी चीज़ों के लिए बनने वाला है आज का DIY। तो चलिए देखते हैं। देखिए मैंने मनी प्लांट रखा है किसी और प्लांटर में, प्लांट करके मैंने इसमें एक प्लांट कर दिया है। एज ए इंडोर प्लांट मैंने इसे प्लांटर बना दिया है। आप चाहे तो इसे प्लांटर बना सकते हैं या फिर किचन एसेंशियल थिंग्स जैसे कटर, सीजर्स और कई सारी चीज़ों को आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही स्टाइलिश लगेगा, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई टिन का डब्बा है जिसे हमने ऐसे बनाया है। अब देखिए वो डब्बा कितना पुराना और ब्लैक कलर से लदा हुआ था, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। और यहाँ पर मैंने रखे हैं कटलरी, स्पून्स, ऐसी सारी चीज़ों को भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी सारा सामान होता है हमारे किचन में जिन्हें हम रखने के लिए चीज़ें ढूंढते हैं, और स्मॉल स्पून को रखने के लिए मैं स्मॉल डब्बे को यूज़ करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर है मेरा स्मॉल पॉट बनाने के लिए मैंने जो लिया है छोटा डब्बा। जो बड़ा डब्बा है उस पर मैंने पिंक कलर की रस्सी यूज़ की है, और यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की रस्सी यूज़ करने वाली हूँ। एक ही डब्बा मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ कि कैसे पॉट मैंने बनाया है, तो सेम वे और सेम तरीके से मैं बनाऊँगी, इसीलिए मैंने इस छोटे डब्बे को बनाया है और इसी का ही मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ। तो बस जो ये ग्रीन रस्सी है इसे ऊपर से ख़त्म होने तक मैंने यहाँ लगा दी है। 5 लेयर इसकी मैंने यूज़ की है और एक हाफ़ लेयर हुई है इसकी, राउंड हुआ है, तो 5.5 इसका राउंड आया है ग्रीन वाले का। और बाकी जो रिमेनिंग है उसमें जो जूट रोप है उसका ओरिजिनल कलर ही उसमें आएगा। ये जो कलर रस्सी है ये मैंने खुद कलर की है, इसमें ऑयल पेंट और तारपीन ऑयल को पतला सा टेक्सचर करके उसमें डुबोकर मैंने इसे फिर धूप में सुखा लिया है, तो ये कलर हो गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो जूट रस्सी का ओरिजिनल कलर वाला जो रस्सी था उसको पूरा लपेट लिया है। अब ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, लेकिन बस इसमें एक और राउंड में मुझे ये जो सरफेस है इसका, इसको छिपाने के लिए इस सर्कल को एक राउंड करना है। और यहाँ पर मैंने हैंडल बनाया है जैसे केटल में होता है या फिर बास्केट में होता है, बस 2-3 मिनट का काम है फिर ये बन जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने कॉम्बिनेशन टाइप कर दिया है, एक नीचे का कलर ही ऊपर कर दिया है, और जो हैंडल्स है उसे मैं ग्रीन कलर का करने वाली हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन कलर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा पॉट हो गया है रेडी। अब आप इसे फ्लावर वास एज अ फ्लावर वास भी यूज़ कर सकते हैं, या किचन कटलरीज या फिर किचन में जो भी आपका ज़रूरी छोटा मोटा सामान है इसमें आप रख सकते हैं स्टोर करने के लिए। आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी। इसमें मैं रखने वाली हूँ स्पूंस और फोक्स। तो देखिए ये कैसा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम डिफरेंट लुक इसका आया है। और आपको कैसा लगा मुझे लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आज मैंने 2 फ्लावर वास कहिए या पॉट कहिए या यूज़फुल कंटेनर भी कहिए, ये बास्केट जैसा मैंने बनाया है। इसके हैंडल्स और अच्छे लग रहे हैं और मल्टीपर्पज़ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज का आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो कीजिए लाइक और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।